What's up, Stress Fam? And welcome to today's episode of Pick Scratch by Sex Is That's Right. And today we will be listening to Confession by Bella, produced by Uzi Hai Kya Bhai. Let's go. इसका जो कवर था रेबल पोस्टर ऑन इंस्टाग्राम, आई केम अक्रॉस इट. वहाँ पे बेला के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेट्स हैं वो थे, एंड दे वर लाइक प्रॉब्ली सिक्स ऑफ देम, विच इज़ अ लॉट. एंड आई वॉज लाइक भाई पता नहीं गाना, मतलब द वे इट हैज़ बीन प्रोमोटेड और जो मेरे पर्सनली जो मेरे एक्सपेक्टेशंस अराउंड दिस सॉन्ग, इट इज़ ह्यूज. एंड आई केम अक्रॉस दिस वेरी शॉर्ट स्निपेट ऑफ द सॉन्ग ऑन इंस्टाग्राम, प्रॉब्ली ऑन बेला स्टोरी. वहाँ पे आई सॉ दैट देयर इज दिस ऑलमोस्ट लाइक अ पोएटिक मोनोलॉग काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन इन द ट्रैक फॉर अ वेरी लिटिल बिट. एंड भाई मतलब द काइंड ऑफ कॉमेंट्स दैट आई एम सीइंग गोइंग अराउंड दिस ट्रैक, भाई आई मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है रिगार्डिंग दिस ट्रैक. इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, एक दिन हुआ है 117K व्यूज है भाई ट्रैक पे. भाई रियली आई विश एंड होप ऑल द बेस्ट भाई कि ये गाना भाई एकदम मैच इट मैड मिलियंस हिट करे. बिफोर दैट हम क्या करेंगे, हम जज करेंगे गाने को. विदाउट फर्दर डू वी आर जंप स्ट्रेट इनटू इट. दिस इज बिग स्क्रैच बाय सेक्स एंड वी लिसनिंग टू कन्फेशन बाय बेला प्रोड्यूस्ड बाय उजी. लेट्स गेट इट. ये राइट बैंड है या फिर मेरा एक साइड काम नहीं कर रहा हेडफोन का भाई. फकिंग हेल. दिल में सब दबा चुका किसी से, बात नहीं करता मुझको इस दुनिया से कुछ. ओके मेरे हेडफोन्स भाई. ओके अपना 4K में चल रहा वीडियो. आई लाइक दिस शॉट. दिल में सब दबा चुका किसी से, बात नहीं करता मुझको इस दुनिया से कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. गैस ये खूनी मेरे अंदर एक घर बना के रहता है. फील हिम, ये शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं. लो जान ले लो, अगर ये ठीक लगे मैं शाम खड़ा रहूं या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं, किसी की आवाज बना रहा हूं. ये पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं. ऐसी पेन ये इतना ग्रीफ ये इतना बोझ जीना चाहते हैं. मैं मायूस हो जाता हूं जब ये चीजें मेरे सामने आती हैं. आंखें नम हो जाती हैं, रातें सोना चाहती हैं, माँ के ताने खाती है. बस कर यार, मैं लायक नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ, शामिल नहीं हूँ, हाजिर नहीं हूँ. मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं पागल नहीं हूँ. इस जन्म तो शायद मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ. थोड़ी दारू पीने बैठा तो कोई याद आ जाए, किसी बेवफा का कॉल मेरे फोन पे आ जाए, उसे इतना कोसूंगा कि आंखें उसकी भी हो नम, मेरे एक एक घूंट में सुरूर आ जाए. आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए. बेहोश हूँ, मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला था. मेरी बहन बैठी कोसेगी कि भाई तू तो जीत कर लाने वाला था, मेरे लिए दुनिया एक करने वाला था, पापा की दारू छुड़ाने वाला था, मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था. अब क्या होगा उन बातों का. असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को कुछ नहीं मानते. आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दें. मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से, या तो तोड़ दे. ये करने वाला था, पापा की दारू छुड़ाने वाला था, मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था. अब क्या होगा उन बातों का. असल में कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता, सभी किसी को कुछ नहीं मानते. आंसू के आगे पैसे का वजन है, शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दें. मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से, या तो तोड़ दे ये नफरत और अभी हमें एक होने दे. मैं लिखूं जैसा भी, मेरी माँ को मुझ पे नाज होने दे. मेरी जिंदगी को जो भी श्राप मिले उसे दीपक सिंह एक ए बेला के नाम होने दे. या तो मशहूर होने दे या तो बदनाम होने दे. इस लहू का रंग मिट्टी में मिलके कूड़ा होने दे. समाज की सोच को कूड़ा मत होने दे दोस्त. मुझे अकेला मत छोड़, बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं है. आशिक हूं तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है. मेरी शायरी और जैसी आम नहीं है. माफी मेरे गुरूर, अगर शायरी है तो किसी की भी आम नहीं है. ये तेरा गुरूर है कि शायरी आम होती है. लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत. It's almost like he's talking to himself, भाई कि जो first thought है एकदम honestly, जो first emotional thought is writing that. I don't know what to call this. It's मतलब क्या ये शायरी है, poetry है, it's a song or I don't know what this is. But मतलब भाई, and I have never seen मतलब कोई शायरी का like I have never seen a शायरी और poem narrated like this. Like I think this is like चॉपर फ्लो और शायरी के बीच में कहीं. आई हैव नेवर हर्ड एनीबडी डू समथिंग लाइक दिस बिफोर भाई. और इट्स लाइक द फर्स्ट थॉट दैट इज कमिंग टू हिज हार्ट, ही इज सेइंग दैट इन द ट्रैक एंड देन इट्स लाइक ही इज रीथिंकिंग ऑन इट. एंड उस वहाँ से ही इज स्टार्टिंग टू यू नो स्टार्टिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद हिमसेल्फ. सो लाइक उसने पहले बोला कि अरे यार रुको एक सेकेंड. वैसे मेरे को मेरे आसपास आना नहीं है इसको. जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ स्टूडियो बंद करके तब आ जाता है बाहर से चीखने. जाओ. हाँ तो मैं जो बोल रहा था वो ये है. इट्स लाइक इन द बिगिनिंग ही इज लाइक
कि मेरी शायरी एक सेकंड ये पार्ट सुनो, इट्स लाइक ही इज हैविंग दिस लाइक टसल विद हिज ओन सेल्फ व्हाइल ही बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं, आशिक हूं तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है, मेरी शायरी और जैसी आम नहीं है, माफी मेरे गुरु, इट्स लाइक माफी मेरे गुरु, शायरी तो किसी की भी आम नहीं है, अगर शायरी है तो किसी की भी आम नहीं है, ये तेरा गुरूर है कि शायरी आम होती है, लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत नहीं है, दूर के दोस्तों के पास छोटे भाई के लिए टाइम नहीं, आई फील अलोन, मैं इस जंग में इतना सह के वापस जाने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सीखा ऐसे लोगों से जो आज भी उन गलियों में हंसा कर रहे हैं, कोई नहीं दोस्त हम जीतेंगे, एक दिन हम जीतेंगे, ये बातें तेरे मेरे बीच में रख, क्योंकि सच्ची है तो कड़वी होंगी, यू नो इट, आई स्टिल विश फॉर ह्यूमैनिटी, आई स्टिल विश फॉर गुड फ्यूचर, इससे पहले ये सब खुद में लड़के हो जाएं डिस्ट्रॉय, आई ब्लेम इट ऑन मी, आई ब्लेम इट ऑल ओनली ऑन माय सेल्फ, क्योंकि राख बन के किसी के सवाल का जवाब तो ना दूंगा, आखिर मर गया तो यकीन रखना मेरे जैसा कभी दोबारा ना दूंगा, ये हकीकत है ना, मेरी कायनात को पता है मेरा नसीब कितना सटीक है ना, मेरे ब्रेन में एक मशीन है ना जो मेरे दिल की ना सुने, बेजुबा मैं रहूं ना जिंदगी भर, सुन खुदा करो मेरे सर पे कोई ऐसा करम, मेरे जज्बात मुझे हर रात यूं ही कोसते हैं, इनकी ये तकलीफ मेरे को ना हमेशा इस चीज का कंफ्यूजन, आई थिंक आई एम गोना लिसन टू दिस ट्रैक वंस अगेन अभी लाइक ऑन वीडियो, बट बिफोर दैट आई ऑलवेज फील लाइक ये कॉन्टेक्स्ट ये क्या हो गया यार, अभी रुक जाओ भाई, हमेशा आई हैव सीन इन बेलास ट्रैक्स देयर्स बीन दिस थिंग जहां पे ही इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर ऑल द वरीज एंड ऑल द वोज ऑफ द वर्ल्ड एज इफ ही इज द मतलब ही इज द मसाया जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया के सारे पेन को या सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम्स एंड ऑल द लाइक द वियर्ड थिंग्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड उसको साफ करना एज इफ बेला का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ओके सम माइट लुक एट इट इन लाइक अ नेगेटिव लेंस कि भाई तू अपने आप को क्या समझता है कि हर प्रॉब्लम्स तू सॉल्व करेगा, बट एट द सेम टाइम इट डजंट मैटर हाउ यू लुक एट इट, इफ यू पुट योर सेल्फ इन हिज शूज यू वुड सी कि अगर आप जेन्युइनली ये चीज फील करना शुरू कर रहे हो कि दुनिया में जो सारे प्रॉब्लम्स है यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर इट एंड यू सी योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, डू यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड द यू नो अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको डिसअपॉइंटमेंट दैट यू हैव इन योर सेल्फ, कि बिगिनिंग फ्रॉम योर ओन हाउस होल्ड कि घर पे मैंने प्रोमिसेस किए थे कि आई एम गोना डू, यार पता है ये चीज़ें मतलब द थिंग्स दैट ही टॉक्स अबाउट इन हिज ट्रैक्स इट्स लाइक सो पर्सनल, कुछ इसके बारे में कुछ बोलने में भी लाइक आई नीड टू थिंक ट्वाइस, बट स्टिल जितना इसको सरल रखने की कोशिश, भाई यार तू रुक जा भाई, जितना सरल रख सकते हैं आई ट्राई, सो द थिंग इज बिगिनिंग फ्रॉम हिज ओन हाउस होल्ड जहाँ पे इज लाइक यू नो आई वॉन्टेड टू डू दीज थिंग्स फॉर माई पेरेंट्स, आई वॉन्टेड टू डू दीज थिंग्स फॉर माई यू नो सिबलिंग्स एंड माई फ्रेंड्स एंड ऑल, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, एट द सेम टाइम ही इज फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल हु आर नॉट डिरेक्टली रिलेटेड टू हिम लाइक बिगिनिंग फ्रॉम हिज ओन सिटी टू द कंट्री टू द होल वर्ल्ड, एंड इट्स लाइक इट्स प्रॉब्ली आई डोंट नो इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ही नोज कि इट्स लाइक विजनरी आर्टिस्ट लाइक दीज इन मे लाइक देयर सो मच डायलॉग गोइंग ऑन इन देयर हेड जहाँ पे दे नो देयर ट्रू पोटेंशियल कि यार दुनिया के जो यू नो शैकल्स हैं उससे अगर टूट के हम बाहर निकल के आए देयर इज लाइक सो मच वी कैन गिव टू द वर्ल्ड एंड सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन चेंज एंड वी हैव सो मच पोटेंशियल, बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम या सोसाइटी के जो शैकल्स हैं उसके बीच में इतना पावर नहीं है बट पोटेंशियल है, यार एक बार फिर से सुनते हैं. Also, दो चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक इवन दो दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू इन द ट्रैक कि भाई ये चॉपर और पोएट्री के बीच में कहीं पे ट्रैक लाई कर रहा है, नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस, सो दैट विल टेक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट बिकॉज आई फील लाइक जो चीज़ें बोली जा रही है यहाँ पे आई वुड प्रेफर टू टेक सम मोर टाइम व्हाइल आई एम लिसनिंग टू इट टू अब्जॉर्ब द थिंग्स, और सेकंड ऑफ ऑल जो लास्ट में हुक आया ना आई फील लाइक उसमें पिच करेक्शन थोड़ा कम हो सकता था बिकॉज आई हैव हर्ड यू नो बेला सिंह बिफोर दिस इन अ लॉट ऑफ ट्रैक्स स्पेशली वो हम्बल पोएट में लास्ट में भी वो पार्ट आता है, सो यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है इट्स लाइक पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि यार इफ यू डोंट नो हाउ टू सिंग आप ऑटो ट्यून लगा दो एंड इल साउंड ग्रेट, इट वोंट, ऑटो ट्यून डज नॉट वर्क लाइक दैट, अगर आपको गाना नहीं आता है तो वो और बेकार लगेगा,
आपको गाना आता है तो वो चीज़ को वो एक्स्ट्रा सही करने लग जाता है ऑटो ट्यून. बट द थिंग इज आई फील लाइक बिकॉज आई कुड टेल जो टेक था इट वॉज लाइक नियर अबाउट परफेक्ट. उसके ऊपर आई फील लाइक अगर पर्सनली इफ आई वुड हैव अप्रोच आई वुड हैव बीन अराउंड द मिक्स मैं बोलता कि यार इस पर थोड़ा ऑटो ट्यून या करेक्शन थोड़ा कम डालते बिकॉज वो नेचुरल साउंड भाई द होल ट्रैक इज लाइक इट्स सो हार्ट फेल्ट सो नेचुरल इज द कॉन्वर्सेशन इन इज हेड तो उसमें जितना नेचुरल रहता उतना बढ़िया. बट या आई एम गोना कम अराउंड दैट वेरी सून तो आई विल बी एबल टू डाइजेस्ट दैट बिट वेरी सून. बट द रेस्ट ऑफ इट लाइक द फ्लो विद द डेप्थ ऑफ थिंग्स जो बाकी ट्रैक में हो रहा है आई फील लाइक दैट्स गोना टेक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. फिर से सुनूंगा भाई कांट हेल्प दिस. यहां बैठ जा अंदर जाके तू. दिल में सब दबा चुका किसी से बात नहीं करता मुझको इस दुनिया से कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है गैस ये खूनी मेरे अंदर एक घर बना के रहता है. फील हिम ये शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं. वो जान ले लो अगर ये ठीक लगे मैं शाम खड़ा शायद मेरे सपने हैं जो आईने में मेरा चेहरा लेते हैं. ऑल द डिफरेंट फेसेस लुक ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट में जितने आए ना दैट दैट वाज देयर इन द पोस्टर इन द कवर आर्ट. शायद मेरे सपने हैं जो मेरे आईने में मेरा ही चेहरा लेते हैं. जान ले लो अगर ये ठीक लगे मैं शांत खड़ा रहूं या फिर कहीं सुनी बात बना रहा हूं किसी की आवाज बना रहा हूं. ये पागल है जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं ऐसी पेन ये इतना ग्रीफ ये इतना बोझ जीना चाहते हैं. मैं मायूस हो जाता हूं जब ये चीजें मेरे शिट भाई ये कैसे लोग हैं जो मेरे लिए जान देने आ जाते हैं और मेरे इस मायूसी और मेरे दर्द का हिस्सा ये बन जाना चाहते हैं. आई डोंट नो व्हाई you guys are here listening to my pain and my stories and my sadness chahte hain aisi pain ye itna grief ye itna bojh na chahte hain. main mayus ho jata hu jab ye cheeze mere samne aati hain aankhein numb ho jati hain raatein sona chahti hain maa ke taane khati hai bas kar yaar. main layak nahi hu gayak nahi hu shayar nahi hu waqif nahi hu shamil nahi hu hazir nahi hu main pagal nahi hu yaar main pagal nahi hu is janam to shayad main kisi ke bhi layak nahi hu. थोड़ी दारू पीने बैठा तो कोई याद आ जाए किसी बेवफा का कॉल मेरे फोन पे आ जा जाए उसे इतना कोसूंगा कि आंखें उसकी भी ओनम मेरे एक एक घूंट में सुरूर आ जाए. आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए बेहोश हूं मेरी माँ को ये कौन बोले. इट्स लाइक ही इज गॉट दिस टॉपर फ्लो बट ही इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द इमोशंस व्हाइल इज डिलीवरिंग यू नो द लिरिक्स. एक एक वर्ड में दिस इमोशन एक एक घूट में सुरूर आ जाए. आज मान लो कि मेरे सर पे फितूर आ जाए बेहोश मेरी माँ को ये कौन बोले कि मैं दुखी था या फांसी लेने वाला था. मेरी बहन बैठी खोसेगी कि भाई तू तो जीत कर लाने वाला था मेरे लिए दुनिया एक करने वाला था पापा की दारू छुड़ाने वाला था मेरी कॉलेज की फीस देने वाला था. अब क्या होगा उन बातों का असर है कोई किसी की परीक्षा नहीं लेता सभी किसी को कुछ नहीं मानते. आंसू के आगे पैसे का वजन है शैतान के आगे लोग भगवान के प्राण दें. मना कर खुद को मेरी जीत में शामिल होने से या तो तोड़ दे ये नफरत और अभी हमें एक होने दे. मैं लिखूं जैसा भी मेरी माँ को मुझ पे नाज होने दे. मेरी जिंदगी को जो भी श्राप मिले उसे दीपक सिंह AKA बेला के नाम होने दे. या तो मशहूर होने दे या तो बदनाम होने दे. इस लहू का रंग मिट्टी में मिलके कूड़ा होने दे. समाज की सोच को कूड़ा मत होने दे दोस्त मुझे अकेला मत छोड़ बचपन से मेरी सादगी काबू नहीं है. आशिक हूं तो धोखे खा के जिंदा रहना लाजमी भी है. मेरी शायरी और जैसी आम नहीं है माफी मेरे गुरूर शायरी है तो किसी की भी आम नहीं है. ये तेरा गुरूर है कि शायरी आम होती है. लोकल दोस्तों से मेरी बातचीत नहीं है दूर के दोस्तों के पास छोटे भाई के लिए टाइम नहीं है. I feel alone. मैं इस जंग में इतना सह के वापस जाने को रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैंने सीखा ऐसे लोगों से जो आज भी उन गलियों में हंसा कर रहे हैं. कोई नहीं दोस्त हम जीतेंगे. I can't you know I can't give up on this battle because मैंने जिनसे सीखा है वो डे वन से मेहनत ही कर रहे हैं हसल ही कर रहे हैं ग्राइंड ही कर रहे हैं. सो आई कांट लीव दिस बैटल फील्ड एंड गो बैक होम फ्रॉम हियर. आई डाई ऑन दिस बैटल फील्ड और आई विन दिस वॉर. किसी के सवाल का जवाब तो ना दूंगा. आखिर मर गया तो यकीन रखना मेरे जैसा कभी दोबारा ना दूंगा. ये हकीकत है ना मेरी कायनात को पता है मेरा नसीब कितना सटीक है ना. मेरे ब्रेन में एक मशीन है ना जो मेरे दिल की ना सुने. मैं रहूं ना जिंदगी भर सुन खुदा करो मेरे सर पे कोई ऐसा करम. मेरे जज्बात मुझे हर रात यूं ही कोसते हैं इनकी ये तकलीफें कर दो खत्म. लाइक मेरे जज्बात मुझे हर रात कोसते हैं कि इनकी तकलीफें कर दो खत्म. लाइक ही इज गॉट Like he's taken up so much responsibility on his head and like that haunts him day and night. Yaar. So
वेट अ सेकंड, ही वाज लाइक इनकी ये मेरी मेरे जज्बात मुझे बोलते इनकी तकलीफें कर दो खत्म. आई डोंट नो इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इज ही टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट वर्शंस ऑफ हिम इन हिज हेड एंड देन लास्ट में ही हैज द गन पॉइंटेड टू हिमसेल्फ कि यार मैं तकलीफें खत्म कर देता हूं इन सब के. नोबडी हैज टू थिंक एवर अगेन. एंड शिट भाई, शिट मैन, समथिंग वेरी फ्रेश, वेरी न्यू. मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अ ट्रैक विच इज सो यूनिक उस पर 117K व्यूज है ऑन द फर्स्ट डे. भाई यार, मतलब यार ये ट्रैक अगर कहीं पर पहुंचे जाके एंड इफ इट गेट्स द अप्रिसिएशन दैट इट डिजर्व्स, मतलब ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ यू नो यूनिक फैक्टर इन द ट्रैक एंड क्रिएटिविटी एंड समथिंग यू नो समथिंग यूनिक हैज बीन ट्राइड टू, कोई एक नया जरिया यूज किया गया है टू एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड इट्स फॉर लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल हियर टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू विच इज ट्रूली न्यू इन इट्स लाइक ट्रूएस्ट सेंस जो ये ट्रैक है. सो इसको अगर एक्सेप्ट किया जाए एंड इट गेट्स द अप्रिसिएशन दैट इट डिजर्व्स, आई'ड बी लाइक आई'ड बी वेरी हैप्पी भाई एंड आई'ड बी वेरी सरप्राइज कि भाई ये क्या हो रहा है समथिंग अप. एंड भाई ये पोटेंशियल, पता है ये पोटेंशियल अपने DHH आर्टिस्ट DHH के ऑडियंस में है. इफ अगर अपने यहाँ पे लिसनर्स में किसी में है तो वो DHH ऑडियंस में है. टू यू नो एक्सेप्ट समथिंग विच इज न्यू, समथिंग जो नॉर्म से थोड़ा हटके है जिस म्यूजिक का स्टाइल, वो यार और कौन एक्सेप्ट करेगा अगर वो हिप हॉप ऑडियंस ना करे, स्पेशली अपने यहाँ के. सो यार I expect and I hope कि ये ट्रैक उस जगह पर पहुंचे and I hope Bella comes up with more tracks like these, you know, जहाँ पे because he has the potential to write things which are like really really hard hitting. And ये नहीं कि try करके चीज़ें कही जा रही है to you know create some emotion in your head. It's like चीज़ें I can feel the tussle in his head when I listen to his music. So ऐसे tracks और आए ना जहाँ पे इज नॉट बाउंड बाई मेलेडीज, इज नॉट बाउंड बाई राइम्स और वट एवर, इज जस्ट टॉकिंग इज हार्ट आउट भाई, मजा आ जाएगा ब्रो, मजा आ जाएगा. आई वुड वॉन्ट मोर ट्रैक्स लाइक दीज यार भाई. आई होप कि ये ट्रैक इस ट्रैक को वो वाला अप्रिसिएशन मिले. दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई एंड. यू गाइज लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट द ट्रैक, स्पेशली ऑन द डिलीवरी, बिकॉज जो चीज स्पेशली इफ इट्स अ चॉपर फ्लो, समझ लो टू नेल द चॉपर फ्लो क्लीन तरीके से, you might have to compromise. Usually people compromise on the emotions, but yahan pe even though the like flow is so fast you know, but still emotion, ek ek word you listen to like the whole rap bit, you would see ki emotion ek ek word mein hai. Kahan pe is taking little pauses, kahan pe is emphasizing words more, and it's like wo emotion kahin dry out nahi hua even though the flow was so fast. What do you think about, you know, this new way of, have you ever listened to anybody try this kind of thing before in these tracks? Let me know bhai, because I have not, main pehli baar sun raha hu aisa kuch. But that's about it from my end bhai. Hats off for like, I don't know about the rest of the world, but mere paas aisa music pehli baar aaya. So yaar, matlab I am really glad that I came across this. And बाकी यार, यू गाइस लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ट्रैक. आई एम गोना सेट दिस वन आउट, मैं थोड़ा टाइम लूंगा एंड आई एम गोना लिसन टू इट एंड लेट्स सी. प्लेलिस्ट पोटेंशियल मीटर पे कैन नॉट रेट दिस ट्रैक, आई डू नॉट नो. आई थोड़ा और मैरिनेट होने देते इसको एंड देन ओनली यू नो. प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, मेक श्योर टू यू नो फॉलो द प्लेलिस्ट ऑन स्पॉटिफाई जहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 2-3 days या वीकली. वट एवर म्यूजिक इज इन माई रोटेशन irrespective of genres is there on the playlist. So maybe a couple days down the line aap wo playlist khologe, you'll see this track in the playlist. I don't know, main isko abhi marinate hone dunga. That's about it bhai. Thank you so much for watching this video, thank you so much for the love and support. Sachcha art is not bound by anything in this world bhai. Shayad logon ko pasand na aaye, but you are truly free, you are a true artist only if you're not bound by the shackles and the rules of the world. Thank you so much once again, it's your boy Big Scratch, love the stress fam, and I'm out. तू तो मेरा कोई ना सहारा, तेरे बिना मेरा एक ना किनारा. Maybe not, है नहीं जगह तेरे दिल में और माफी तेरी अब मैं कैसे लूँ. I was lost, party drugs and booze, नशा मुझे देता था सुकून. All these girls giving me approval, I cannot lie, I broke a couple hearts, मेरा दिल भी टूटा था, मैं क्या करूँ.